के ना हल्के हल्के, वो झंझनाने वाले को बुला रहा हूँ मैं इसके सामने फिर से। क्या हो रहा है? कप कप आगे ये होता है, समझ में आ गया? कान में फूंक मार दी मैंने तेरे, अब फिर मारूंगा, महसूस कर कहां गई है। आंखें बंद करो, महसूस करो गहराई से, फूंक जहां जाएगी वहीं झंझनाहट होगी। हाथों में और पैरों में, हाथ पैर ही तो कप कप आते हैं, पेट में फिर से जाए तब बताइयो मेरे को। आंखें बंद करके महसूस करो, यहां पे गरम गरम सा लग रहा है पेट में, ये देखो ये आया समझ में। बस ये थोड़ा सूक्ष्म है इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा, दो चार बार लेके आएगी इसको, कुछ भी नहीं है। आ गए ना? आया हमारे यहाँ गौतम नाम का लड़का, देखा है उसको? 1.5 महीने तक खून की उल्टी हुई। कितने महीने तक? हमने सारे टेस्ट कराए, हमने सोचा वो है, क्या कहते हैं, टीवी है इसको, पाया क्या? कुछ भी ना पाया। आए ना समझ में? उसको ऐसे ही दबाव पड़ गया था किसी चीज का। आ गया? फिर डॉक्टर क्या कह रहा है? क्यों खाम का मैं अपने? नहीं, अभी तो इसको 4-5 दिन से मतलब बोल दे रहे तो आप एक बात बताओ बेटे, उस उल्टी के बाद आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा? कहीं भी दर्द है? कहीं दर्द होता है आपको वैसे रोजाना? हाथ पैरों में होता है, हाथ पैरों में ये ज्यादा रहता है, लेकिन पेट में ये यहाँ इसने जगह बनाई होगी जरूर, जहाँ पे गरम गरम लगा। अब फिर से मैं महसूस कराता हूँ, महसूस कर, आंखें बंद करो, बहन जी। कैंसर किसी को भी होगा, जहां भी होगा वहां दर्द जरूर होगा। कैंसर बिना दर्द के होता नहीं है, कैंसर नाम की बीमारी बिना दर्द के रहती नहीं है किसी को भी। अगर किसी बच्चे को खून की उल्टी पड़ गई है, जरूरी नहीं है। हाँ कहाँ? अब उसको मुझे इसके शरीर में मंत्र से बुलाना पड़ा, वो घर पे जाके इस पे हावी हो जाता होगा, मैं बताऊं तुम्हें। आ गए ना? तत्व रहता है, तत्व रहता है आपके घर में, ऐसा ही पहले किसी और के साथ भी हुआ होगा। घबराहट रहती है, अब कहां गई भूख? यहाँ पे अब हाथ पैर में कंपन नहीं है ना, निकल के तत्व बाहर गया, 2-3 बार फूंक मारी, पकड़ के लेके आया, फिर पकड़ के लेके आ सकता हूँ, लेके आऊं उसी तत्व को जिससे हाथ पैर कांपते हैं। तू हाथ पैर कांप रहे हैं इसका, तू कैंसर समझ रही है? क्या हुआ? डॉक्टर भी कैंसर बता रहा है हाथ पैर कांपने से। नहीं, उन्होंने ना खून की उल्टी से टीबी होगी कि कैंसर होगा? टीबी नहीं है, लेकिन इसको उन्होंने कर लिया एक्सरे वगैरह सब कुछ। फिर तो फिर कुछ और बता देगा। एक लड़की को, दौलतपुर की एक लड़की को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, मेरे यहाँ 10 दिन आई टीबी हो गई, अब कैंसर खत्म हो गया जी, और 10 दिन आई
फिर टीबी भी खत्म होगी। आज 112 किलो वजन है उसी लड़की का, हो गया कैंसर और टीबी दोनों ठीक। क्या पूछेगी तू इन डॉक्टरों की, इनको बस शर्म नहीं आती है। कोई और हो तो डूब के मर जाए। क्या बताया उस फिल्म में, गोल गोल जैसे मतलब वो बढ़ता हुआ भी बता रहे हैं, वो गोल गोल घूमता हुआ, हाँ हाँ, सफेद सा दिखाई दे रहा था। हाँ वो तो ब्लैक एंड व्हाइट होते ना स्क्रीन, तो उसमें बस वही उसमें व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा था, ऐसे धुएं जैसा। फिर वो प्रेत होता है, मैं तेरे को आज बताऊं, उस औरत का ऑपरेशन नहीं कर देते कोई भी औरत, ये कहती है मेरे यहाँ घूमता हुआ कुछ महसूस हो रहा है, उसके तीन तीन ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, और वो घूमता हुआ कदापि निकलता हुआ नहीं दिखाई देंगे। मेरे घर में तो सारे बीमार रहते, मैं भी बीमार, बेटी ये वाली। देख बेटा ये तेरा पेट है, टाइट हो, टाइट खड़ी हो, आज पीछे हाथ लगाओ इसके, लड़की का खून लगा, ये देख दर्द हुआ कहीं भी, ए अब इससे जरा सी और नीचे लेता हूँ, कहीं भी दर्द हुआ अब इससे और नीचे लेता हूँ, कहीं भी दर्द हुआ अब इससे और नीचे लेता हूँ, कहीं भी दर्द हुआ। कैंसर बिना दर्द के रहेगा कैसे, दिमाग ही लगा लो। आपकी मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत है, तुम्हारी भाभी को 8 महीने में एक बार आता था, इसको होता ही नहीं। आ गए ना समझ में, होता नहीं है तो इसका मतलब कैंसर थोड़े ही ना है। अरे भाई कैंसर बिना दर्द के होता ही नहीं है, डॉक्टर ही कहते हैं, डॉक्टर जब वो कहते हैं करते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो मैं और दबा देता हूँ, अगर पेट में कहीं बैठता होगा प्रेत निकल जाएगा, फिर उसकी जगह नहीं रहेगी। टाइट लगाए तू हाथ, बोल जय शनिदेव, बोल जय शनिदेव, बोल जय शनिदेव। तू जय अपना काम कर, बढ़ रहा है आई ना चलते, लड़की को कुछ है नहीं, डॉक्टरों का तो काम ही लेके आओ उनको, बस आप लेके आओ, ठीक है लेके आओ डॉक्टर से, दूसरी डेट लो फिर दिखाना, महसूस करो, महसूस पहले भूख महसूस करो कहाँ गई है, भूख को महसूस करो शरीर में कहाँ जाती है। बच्चों को दुनिया भर के रोग बन रहे हैं केवल निगेटिविटी से, कम में के घुस जाती है किसी को नहीं पता चलता, माँ से बेटियों पे ही जाती है। जाओ आप महसूस करो।